हूं आपकी अनुषया दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए तो पहले तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को कमेंट सेक्शन थोड़ा सा भर दो हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ लिख दो मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन आज का ये जो वैसे सेशन होने वाला है ये सुपर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है ये चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ ही हमारा लास्ट चैप्टर है तो इसी के साथ तुम्हारी पॉलिटी की एक बुक खत्म हो जाएगी तो अगर तुम्हें कोई भी प्रीवियस चैप्टर चाहिए तुम्हें लग रहा है कि दूसरे चैप्टर्स कब हुए तो इसी चैनल पर तुम्हें बाकी चैप्टर्स भी मिल जाएंगे ठीक है तो सिलेबस का एक हिस्सा तो हमारा फिनिश हो जाएगा बाई द एंड ऑफ टूडेज सेशन ठीक है तो हाँ किस किस ने ज्वाइन कर लिया है डिम्पल हाय आनंद हाय अर्षिता श्रेया आदित्य शौर्या हरिका अभिषेक सबको हाय श्याम हाय खुशी राजकुमार गुड इवनिंग फुरकान खान हाय अनमोल हाय कैसे हो अभी आपने शायद कोई रील या कुछ भेज रखा था कुछ मीम भेज रखा था ना मैं वही देख रही थी लवीश अटेंडेंस लगा दी बहुत ही बढ़िया ओके शौर्या हाँ रमेश हाय ईशांत हाय अनुष्का श्रेया अंजलि सबको हेलो ओके तो यहां जितने भी बच्चे अभी जल्दी से इस सेशन को एक बार शेयर कर लो अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स को यहाँ पर ले आओ फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है नैतिक हाय वर्षा हाय वंश वंश नमस्ते कैसे हो आप आपने तो कर रखा वैसे है वैसे चैप्टर में ऐसा चलो बढ़िया रिवीजन हो जाएगा और डांसिंग टेरा गुड इवनिंग रितेश हाय मीनाक्षी हेलो गर्वित हेलो कैसे हो आप ठीक है क्या मेरा नाम ले लो डीजी क्रिएशंस यार अपना नाम रखो प्रॉपर फिर तो मैं ले भी लू हम्म प्रशांत हाय ठीक है तो काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है मैं तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट ठीक है तो हाँ यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार टाइमिंग बता देती हूँ बेसिकली दो टाइमिंग्स पर क्लासेस होती हैं तुम्हारी क्लास ट्वेल्थ की एक तो सुबह ग्यारह बजे जहां पर हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी को फिनिश कर रहे हैं बस दो चैप्टर्स रह गए तुम्हारे उसके बाद वो बुक भी खत्म हो जाएगी और अभी इस टाइम पर ठीक है रात को नौ बजे भी तुम लोगों की क्लास होती है तो आज हमें बस ये क्लास चैप्टर फिनिश करना है फिर हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक खत्म और कल की जो ग्यारह बजे और नौ बजे वाले क्लासेस होंगी इसमें हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी के बुक को पूरा खत्म कर देंगे ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं ये जो चैप्टर है बेसिकली इस चैप्टर में 1990 के बाद की कहानी बता रखी है तुम्हें ठीक है कि 1990 के बाद क्या हुआ अभी तक जितने चैप्टर्स थे उसमें तुम लोगों ने इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा एंड लास्ट चैप्टर जो था हमारा जो कल वाला सेशन था नौ बजे उसमें हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी जी का एसैसिनेशन कर दिया जाता है, है ना उन्हें मार दिया जाता है तो उसके बाद आगे की क्या कहानी रहेगी वो इस चैप्टर में बताया जाएगा ठीक है तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि इंदिरा गांधी को एसैसिनेट कर दिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं राजीव गांधी ठीक है एंड उनके अंडर क्या होता है लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को एक मैसिव विक्ट्री मिलती है और ये बात है 1984 की इस टाइम के अराउंड फिर से कांग्रेस को एक मैसिव विक्ट्री मिलती है नेक्स्ट इस टाइम पीरियड में पांच मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं जिनके बारे में एक एक करके तुम लोग पढ़ोगे ये पूरा चैप्टर इट इज बेस्ड अपॉन दीज फाइव डेवलपमेंट्स नाइनटीन में पांच मेजर इंसिडेंट हुए थे एंड इन पांच डेवलपमेंट को तुम एक एक करके पूरे चैप्टर में इन डिटेल पढ़ोगे अभी के लिए मैं तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये पांच डेवलपमेंट क्या है फिर जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग इन डिटेल इन पांच डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे ठीक है तो एक एक करके समझते हैं पहला डेवलपमेंट क्या था ओके okay, पहला डेवलपमेंट ये था डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989 1989 में जब हमारा इलेक्शन होता है तो उस टाइम पे कांग्रेस की हार हो जाती है अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे पूरे बुक में कि कांग्रेस डोमिनेशन चल रहा है कांग्रेस डोमिनेशन चल रहा है बीच में इंदिरा गांधी हार जाती हैं उसके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से रिस्टोर करती हैं कांग्रेस को यही चल रहा था है ना पर 1989 में हम देखते हैं कि कांग्रेस डिफीट कर जाता है ठीक है कांग्रेस वही पार्टी थी जिसने आ, बहुत पहले डोमिनेट कर रखा था लोकसभा इलेक्शंस को पर 1989 तक आते आते इनके पास बहुत कम सीट्स बचते हैं ठीक है 197 के अराउंड इनके पास सीट्स बचते हैं ठीक है द कांग्रेस इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ठीक है अगर 1989 में हार जाता है तो फिर अभी तो हमने पढ़ा कि कांग्रेस में से फिर से रूलर्स आते हैं है ना लीडर्स आते हैं तो कांग्रेस क्या करता है बीच में फिर से जीतता है इट केम बैक टू पावर ठीक है वापस पावर में आता है 1991 के अराउंड उसके बाद 1989 के अराउंड हम देखते हैं ये फिर से डिफीट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट बीच बीच में कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस को ऐसे इंप्रूव तो करता रहता है पर 1989 के बाद हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है ठीक है अभी तक हम लोग इंडियन पॉलिटी के इस पूरे टॉपिक को हम कहते थे कांग्रेस सिस्टम कि कांग्रेस बार बार जीत रही है कांग्रेस बार बार डोमिनेट कर रही है पर 1989 के बाद हम लोग पॉलिटी में कहते हैं कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो जाता है कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो खत्म हो जाता है तो ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि 1989 के बाद हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में बात करनी ही छोड़ दी या कांग्रेस की सारी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई कांग्रेस आज के टाइम पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है पर हाँ जो उसका पीक डोमिनेंस था वो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू वाला जो एरा था वो कांग्रेस का खत्म हो जाता है तो ये हमारा पहला डेवलपमेंट था इस टाइम के अराउंड ओके मैम व्हिच चैप्टर इट इज बेटा ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारा ओके चलो तो ये हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट था नेक्स्ट सेकेंड डेवलपमेंट को कवर करते हैं डेवलपमेंट जो कि इस टाइम के अराउंड होता है वो है मंडल इशू मंडल इशू हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी कवर कर रखा है मैं तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं हम एक कमीशन बनाते हैं जिसको मंडल कमीशन कहा जाता है एंड मंडल कमीशन के लोग क्या करते हैं ये एक रिकमेंडेशन देते हैं ये लोग कहते हैं कि हमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेकर आना चाहिए ठीक है तो रिजर्वेशन का मुद्दा ये लोग उठाते हैं एंड रिजर्वेशन वैसे ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो जब रिजर्वेशन की बात होती है तो पूरे वर्ल्ड में लोग बट जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हाँ रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ लोग कहते हैं कि, हाँ, है। है कि नहीं रिजर्वेशन की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है तो इसी पूरे इशू को हम लोग क्या कहते हैं मंडल इशू कहते हैं ठीक है तो मंडल कमीशन ने क्या कहा था मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है जॉब्स इन सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड बी फॉर ओबीसी कि में जो जॉब है उनमें हमें रिजर्वेशन देना चाहिए किसको ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लासेस को हमें रिजर्वेशन देना चाहिए इसी के चलते हमारे इंडिया में एंटी मंडल प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं मंडल प्रोटेस्ट मतलब लोग मंडल कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्ट्राइक करना ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसी पूरे इशू को हम लोग क्या कहते हैं हम इसे मंडल इशू कहते हैं ठीक है मंडल इशू का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हमारे ओवरऑल पॉलिटिक्स को शेप करने में आफ्टर 1989 तो ये हमारा दूसरा इशू था पहला इशू क्या था कि कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया दूसरा इशू क्या था कि इस टाइम के अराउंड मंडल इशू आ जाता है तीसरा डेवलपमेंट क्या था इस टाइम के अराउंड तीसरा डेवलपमेंट ये था कि इस टाइम के अराउंड इंडिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को पूरी तरीके से बदल रहा था अभी तक के हमारे जो चैप्टर्स रहे उसमें आप लोगों ने समझा कि इंदिरा गांधी जी का क्या अप्रोच रहा इकोनॉमी की तरफ है ना इस चैप्टर में तुम लोग समझोगे कि यहां तक आते आते इंडिया क्या करता है अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत ज्यादा बदल देता है हम लोग ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा इन्वॉल्व होते हैं लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं प्राइवेटाइजेशन को एंकरेज करने लगते हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ज्यादा बदल जाती हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि हमें इस टाइम के अराउंड देखने को मिला इंटरेस्टिंगली लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे इन पॉलिसीज को राजीव गांधी ने स्टार्ट करा था इन सारे पॉलिसीज को ठीक है एंड उस टाइम पर लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को बट आज के टाइम पर भी एंड उस टाइम पर भी धीरे धीरे एक ट्रेंड बन जाता है कि लोग इन्हीं पॉलिसीज को फिर आगे यूज करते रहते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो करा पर लोग इन्हीं पॉलिसीज को यूज करते थे ठीक है तो तीसरा डेवलपमेंट क्या रहा हमारा कि इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होने लगी पहले हमने कांग्रेस का डोमिनेशन हटाया उसके बाद हमने मंडल इशू को देखा उसके बाद इकोनॉमी चेंज हो रही है फोर्थ इशू क्या था फोर्थ फोर्थ इशू इशू जो कि सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है है ठीक था हमारा अयोध्या का इशू तो तुम लोगों ने सुना भी होगा 2019 की अराउंड भी आ, ये इशू बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था बाबरी मस्जिद का इशू ठीक है तो ये एक डिस्प्यूटेड सा स्ट्रक्चर है एंड बाबरी मस्जिद इशू को लेकर हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं। अभी ऊपर से इतना समझ लो बाकी जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे ये टॉपिक हमें इन डिटेल तो पढ़ना ही है ठीक है तो बाबरी मस्जिद का जो इशू था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना इस टाइम के अराउंड बीजेपी एंड और, और भी बहुत सारी आ, बहुत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुत्व टर्म को यूज करना स्टार्ट कर देती हैं। आ, आगे जाकर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग धीरे धीरे ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में लोग सेक्युलरिज्म को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडिया सही में सेक्युलर है या नहीं हाँ शुभमन ये वही बिल्कुल राम मंदिर वाला इशू है ठीक है राम मंदिर वाले इशू के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये चौथा डेवलपमेंट था राम मंदिर वाला इशू हमारा चौथा डेवलपमेंट था जो इस टाइम के अराउंड हो रहा था ठीक है और क्या इशू था यहां पर फाइनली फाइनली एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बदल मे नाइनटीन नाइनटी वन की मे की नाइनटी 1991 में क्या होता है हमारे राजीव गांधी को कर दिया जाता है ठीक मतलब है एंड यहां से कांग्रेस में बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं हमारे ओवरऑल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं तो श्रीलंकन तमिल लोग मार देते हैं इनको तो जो राजीव गांधी जी थे बेसिकली वो कैंपेन कर रहे थे

तो सैडली राजीव गांधी को एसेसिनेट कर दिया जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो ये पांच चीजें थी जिसने हमारे नाइनटीन में पूरे पॉलिटिक्स को बदल दिया था ठीक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है एरा ऑफ कोशन ठीक है एर ऑफ कोयले हम लोग कवर करने वाले हैं एयर ऑफ कोईलेशन टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब बहुत सारे कोयले लग गए कोयलेन यानी गठबंधन बनने लगे तो एरा ऑफ कोयलेन हमें स्टार्ट करना है पर आगे बढ़ने से पहले अगर यहां तक तुम सबको क्लियर है तो जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो कमेंट सेक्शन में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अन्वेशा को पहले ही पता चल जाता है कि मैं पूछने वाली हूँ कि क्लियर है या नहीं है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डालो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है शाम क्लियर है शिवम हाँ आ, और किस को क्लियर है यार हम्म सबको क्लियर है खुशी को भी क्लियर है मनीषा राजकुमार सृष्टि पायल ऋषु लवीश मेरा नाम प्रियांशु प्रियांशु फिर अपना नाम प्रियांशु रखो ना फिर ऐसे तो मैं वर्षा बोलती रहूंगी प्रियांशु हाय गरिमा मीनाक्षी ईशांत हाँ ईशांत हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं एनसीआरटी की एक एक लाइन है इस पीपीटी में भी है और हम लोग आज के क्लास में कवर भी करेंगे ओके अरे डांसिंग तेरा थैंक यू सो मच और अब्दुल क्लियर है ठीक है बीजेपी ने बनाया था ना कोई अभी सब बनाएंगे कोइलेषन ठीक है सबकी बारी आएगी सब सबको बनाएंगे हाँ बीजेपी के बारे में तुम बहुत पढ़ोगे इस चैप्टर में वैसे लवीश मैं सुन रही हूँ सुन रही हूँ बोल दो क्या दिक्कत है मैं सुन रही हूँ कैसे हो आप बहुत दिनों बाद दिख रहे हो कमेंट सेक्शन में आग लग गई यही तो चाहती थी मैं ठीक है सबको क्लियर है ओके मैम सुनो सुनो ही चल रहा है बोलो तो सही क्या सुनना है हम्म ठीक है सबको कन कना क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ठीक है एर ऑफ स्टार्ट करते हैं तो 1989 में अभी हमने पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है ठीक है कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती पर इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम पर कोई और ऐसी पार्टी थी जो अलग से मेजोरिटी जीत रही हो कांग्रेस तो हार रही थी पर उस टाइम पर कोई एक ऐसी पार्टी भी नहीं थी जिसको क्लियर मेजोरिटी मिल रही हो ठीक है तो कांग्रेस तो क्योंकि उसे नहीं मिल रही थी कांग्रेस उस टाइम पर ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है पर हमारे पास कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो क्लियरली इलेक्शन में जीत रही हो तो इस दौरान क्या होता है नेशनल फ्रंट बनाया जाता है ठीक है नेशनल फ्रंट का क्या मतलब है नेशनल फ्रंट एक अलायंस था अलायंस मतलब इसमें बहुत सारी पार्टी साथ में मिलके काम कर रहे थे तो मेनली जनता दल था इसमें ठीक है और कुछ और रीजनल पार्टीज थी एंड नेशनल फ्रंट को ना बहुत टाइम तक दो और पार्टीज ने सपोर्ट करा था कौन कौन सी एक तो बीजेपी और एक लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट भी एक अलायंस की तरह है तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने नेशनल फ्रंट को बहुत टाइम तक आ, सपोर्ट करा था ठीक है एंड याद रखना इनका मेन रीजन सपोर्ट करने का ये था ताकि कांग्रेस ना जीत जाए तो इसीलिए ये लोग नेशनल फ्रंट को सपोर्ट कर रहे थे तो बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट नेशनल फ्रंट को सपोर्ट तो कर रहे थे पर इन्होंने अलायंस को ज्वाइन नहीं करा था ठीक है ये लोग अलायंस के पार्ट नहीं थे पर ये लोग सपोर्ट कर रहे थे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस तो ये तो तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा है इस टॉपिक में तुम्हें ये बताया जाएगा कि कैसे ओवर टाइम कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगी ठीक है तो जो डोमिनेशन था ठीक है उस टाइम पे कांग्रेस जो पूरा कांग्रेस सिस्टम चलता था कैसे ओवर टाइम वो डोमिनेशन कम होने लगा वो हम इस टॉपिक में समझेंगे वे बैक इन लेट सिक्सटीज द डोमिनेशन वॉज चैलेंज ठीक है तो कह रहे हैं कि लेट सिक्सटीज के अराउंड भी हमने देखा था कि कांग्रेस के डोमिनेशन को लोग चैलेंज करने लग जाते हैं है ना बीच में हमने देखा था ना जब इंदिरा गांधी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आती है, है? इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनती है एंड वो कांग्रेस के पोजिशन को रिस्टोर कर देती है है ना पर कुछ टाइम के बाद जैसे राजीव गांधी आ जाते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है एक ऐसा टाइम आता है जब कांग्रेस फिर से अपने आप को उस तरीके से रिस्टोर नहीं कर पाता एंड इसी के चलते क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है ठीक है हमारे इंडिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसको हम कहते हैं कि एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम था अब एक चीज का ध्यान रखना जब कांग्रेस डोमिनेशन चल रहा था ना तब भी इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज पार्ट लेती थी ऐसा नहीं सोचना कि मल्टी पार्टी सिस्टम अब स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब शायद ये होगा कि पहले बहुत सारी पार्टी इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती थी ऐसा नहीं था जब कांग्रेस डोमिनेशन चल रहा था तब भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पार्ट लेती थी इलेक्शन में ठीक है पर नाइनटीन के बाद क्या होने लग गया हम ये देखने लग गए कि बहुत सारी पार्टी साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती हैं इलेक्शन जीतने के लिए ठीक है क्योंकि बहुत क्लियर हो गया था लोगों के लिए कि अगर हम एक पार्टी लेकर चलेंगे तो हमें मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलेंगे तो इस टाइम के अराउंड बहुत सारे ऐसे पार्टीज थे जो लोग साथ में मिलके कोयलेशन बना रहे थे गठबंधन बना रहे थे इस उम्मीद में कि ये लोग अगर कोयलेषन बनाएंगे तो इन्हें ज्यादा वोट्स मिलेंगे और फिर ये लोग इलेक्शन में जीत जाएंगे ठीक है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस टाइम पे मल्टी पार्टी एरा स्टार्ट हो जाता है चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको फिर हम लोग अलायंस पॉलिटिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे ठीक है अलायंस पॉलिटिक्स ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है पलक हाय हम्म पीयूष शाम क्लियर है बहुत बढ़िया सौरभ हाय कैसे हो आप अन्वेषा सुपर इजी लग रहा है बहुत बढ़िया और मनीषा को भी क्लियर है खुशी क्लियर है बहुत बढ़िया गरिमा सृष्टि वंश मनीषा रीशु रिदमा क्लिस्टर क्लियर है बहुत बढ़िया शुभमन कनकना भगवान सिंह वीमैक्स आ निवेदता चलो ओके okay. वचन ये भी मतलब एक अलायंस की तरह था जब हम लेफ्ट पार्टीज कहते हैं ना तो उसका बेसिकली मतलब होता है ऐसी पार्टीज जो पुअर लोगों के लिए लेबरर्स के लिए एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, लिए ज्यादा काम करते हैं क्लियर मैं बिल्कुल ठीक हूं थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आप कैसे हो हाँ पॉलिटिक्स इन कास्ट अभी कास्ट सिस्टम ये सारी कास्ट सिस्टम तो नहीं पर हाँ ये सारी चीजें ओबीसी ये सब डिस्कस करेंगे हम आर हाय चलो ठीक है तो आई थिंक यहाँ तक सबको सब कुछ सुपर क्लियर है आगे बढ़ते हैं अलायंस पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं तो नाइन्टीज का जो टाइम पीरियड था ना ये वो टाइम पीरियड था जब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स uh, में दलित्स एंड ओबीसी इसको बहुत ज्यादा एंकरेज करने करा जाता है ठीक है लोग धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं कि दलित्स को एंकरेज करो ओबीसी को एंकरेज करो इसी टाइम के अराउंड अभी हम मंडल इशू के बारे में भी बात कर रहे थे है ना तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब बहुत पावरफुल रिप्रेजेंटेशन मिलने लग जाता है दलित्स एंड ओबीसी को ऐसा पहले उतना ज्यादा नहीं होता था ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि नाइनटीन तक आते आते यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पावर में आ जाती है ठीक है तो यूनाइटेड फ्रंट है क्या अभी तक तो हमने चैप्टर में ये नाम नहीं सुना तो यूनाइटेड फ्रंट क्या है ये नेशनल फ्रंट जैसा ही एक सिमिलर सा मतलब एक अलायंस है ओके तो यूनाइटेड फ्रंट सिमिलर टू नेशनल फ्रंट ऑफ नाइनटीन ठीक है तो 1989 का जो नेशनल फ्रंट था उसी से मिलता जुलता एक सिमिलर सा अलायंस है जिसको हम यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं और इसमें बाद में जाके जनता दल और, और और भी रीजनल पार्टीज आ जाती हैं ओके दिस टाइम बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट दि गवर्नमेंट अभी हमने पांच मिनट पहले पढ़ा कि जो नेशनल uh, फ्रंट था नेशनल फ्रंट को पहले बीजेपी सपोर्ट कर रही थी है ना पर इस टाइम जो यूनाइटेड फ्रंट होता है बीजेपी सपोर्ट नहीं करती इंटरेस्टिंगली बीजेपी की जगह कांग्रेस के लोग इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तुम्हें याद होगा नेशनल uh, फ्रंट को लेफ्टिस्ट लेफ्ट फ्रंट के लोग भी सपोर्ट कर रहे थे है ना तो पहले क्या था नेशनल फ्रंट को लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी सपोर्ट कर रहा था पर अब टाइम के साथ चीजें बदल गई बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहा कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है तो इससे पता हमें एक चीज पता लगती है कि हमारे आ, इंडिया में या फिर इन जनरल पॉलिटिक्स में चीजें बहुत अनस्टेबल होती हैं टाइम के साथ कोई भी अलायंस चेंज हो सकती है ठीक है किसी का भी सपोर्ट टाइम के साथ बदल सकता है चलो तो अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे थे सीधी सी बात है ये लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि ये लोग साथ में मिलके बीजेपी को हरा दे बीजेपी को पावर में आने ना दे ये इनका प्लान था बट दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग ठीक है इन लोगों का प्लान था कि हम लोग साथ में काम करेंगे बीजेपी को पावर में नहीं आने देंगे पर ये इनका प्लान बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाता ठीक है आ, हम देखते हैं कि बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से में परफॉर्म करता है 1991 और 1996 इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन दाइनटीन 1996 इलेक्शन ठीक है तो 1996 के इलेक्शन तक आते आते बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी इलेक्शन में एंड फिर बीजेपी ही गवर्नमेंट भी फॉर्म करती है ओके काफी टाइम तक क्या होता है लोग बीजेपी के बहुत अगेंस्ट थे ठीक है मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो कि बीजेपी के पॉलिसीज को उतना सपोर्ट नहीं करते इसीलिए बीजेपी का मतलब थोड़ा अप एंड डाउन सा टाइम चल रहा था कभी जीत जाती थी कभी फिर से हार जाती थी ऐसा ऐसा चलता रहता था ठीक है नेक्स्ट क्या होता है बीजेपी के लोग एक कोईलेशन गवर्नमेंट बनाते हैं गठबंधन बनाते हैं तो ये बात है मे 1998 की ठीक है और उसके बाद फिर से ये लोग री भी हो जाते हैं नेक्स्ट कुछ कुछ टाइम के बाद क्या होता है अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ड्यूरिंग बोथ दिस एनडीए गवर्नमेंट ठीक है एंड हिज गवर्नमेंट इन 1999 कंप्लीटेड इट्स फुल टर्म ठीक है फाइनली जब अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं तो उस टाइम के अराउंड बीजेपी थोड़ी और स्टेबल हो जाती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इनकी इमेज भी मैंने यहाँ पे डाल दी है आ, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तुम लोगों से यहाँ पर एक चीज लिखी है आ, तुम लोगों ने ये टर्म बार बार न्यूज में भी सुना होगा ठीक है एनडीए लेड गवर्नमेंट या फिर एनडीए गवर्नमेंट ऐसा सुना होगा तो मुझे कौन बताएगा चैट में कमेंट में कि क्या मतलब होता है इसका ठीक है एनडीए गवर्नमेंट का क्या मतलब है एनडीए का चलो फुल फॉर्म बता दो ठीक है हाँ ये हम नहीं पढ़ने वाला हर बच्चा बच्चा बोल अरे आर्यन थैंक यू सो मच तुम तो शेरों शायरी कर रहे हो चार्ट में ये बता दो एनडीए क्या होता है हाँ वचन बहुत ही बढ़िया एनडीए बता रहे हो तो यूपीए भी बता दो ठीक है एनडीए बता ही रहे हो साथ ही साथ यूपीए भी बता दो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ठीक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए होता है तो ये भी एक अलायंस है ठीक है हाँ अब तुम लोगों ने यूपीए की बात छेड़ दिया तो ये भी बता दो यूपीए क्या होता है ठीक है मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन बता वैसे तो कॉमन बहुत तेज चल रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ ये देखने की कि यूपीए सबसे पहले कौन बताता है ठीक है उसके लिए मैं ताली वाली बजा दूंगी शिवम हाय हाँ तो शौर्य हाय यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सबसे पहले मेरे हिसाब से तो ठीक है हाँ वैसे तो कॉमन स्पेस चल रहा है यार पर मेरे हिसाब से सबसे पहले किरण ने बोला है तो किरण यार ठीक है ये क्लैपिंग तुम्हारे लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है मैं अकेली बैठी हूँ कमरे में वरना मैं करा देती क्लैपिंग और ज्यादा तुम्हारे लिए तो यार हाँ ऐसा कर दो चैट सेक्शन में किरण के लिए क्लैपिंग कर दो ठीक है तो हाँ यूपीए भी एक अलायंस है एनडीए भी एक अलायंस है एनडीए जनरली बीजेपी के साथ लिंक्ड है यूपीए कांग्रेस uh, के साथ लिंक करा, करा जाता है ठीक है हाँ शिवम हाय अभी हेलो राजकुमार हाय, विशेष हाय, सुनील हाय, चलो ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनडीए यूपीए है क्लियर हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या था दस विद इलेक्शन ऑफ 1989 अ लॉन्ग फेज ऑफ कोयलेशन बिगे ठीक है तो 1989 के बाद हमारे इंडिया में कोयलेषन का एक बहुत लंबा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है थोड़ा सा डेटा भी दे रखा है तुम लोगों को Uh, 1989 के बाद हमने देखा कि 11 गवर्नमेंट्स रह चुके हैं सेंटर में एंड ये सारे ऐसे गवर्नमेंट्स थे जिनमें कोयलेशन था या फिर किसी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को कोई और पार्टी सपोर्ट कर रही थी ठीक है तो इसीलिए कहा जाता है कि नाइनटीन के अराउंड एरा ऑफ कोयलेशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इस टाइम पीरियड के अराउंड हम देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट बनती थी तो दो तीन पार्टी साथ में मिलके बनाती थी एंड रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा इस टाइम पर इंपॉर्टेंट हो गई थी पहले के टाइम पे ना जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज होती थी उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था पर इस टाइम पीरियड में जब लोग बहुत ज्यादा कोयलेषन करने लगते हैं तब क्या होता है रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है तो अब तुम्हें कुछ कुछ डेटा दे रखा है कि उस टाइम पर आ, कितने कोयलेशन या कितने अलायंस बने थे तो नाइनटीन के अराउंड हमारा नेशनल फ्रंट था ठीक है 1996, 1997 में यूनाइटेड फ्रंट था एनडीए जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा वो 1997 में आता है बीजेपी के भी कोईलेशन होते हैं 1998 में ठीक है फिर से एनडीए 1999 यूपीए 2004 और 2009 में ठीक है तो इस तरीके से अलायंस और कोयलेशन ही उस टाइम पर चलता रहता था पर ये ट्रेंड 2014 में बदल जाता है ठीक है 2014 में हम लोग देखते हैं कि कोयलेशन का ये जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड बदल जाता है अब एक और क्वेश्चन है मेरा जल्दी से बता दो ठीक है हाँ तो क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये जो ट्रेंड था कोयलेशन का अलायंस का ये 2014 में आकर खत्म हो जाता है ठीक है तो क्वेश्चन ये है ध्यान से सुनना ठीक है क्वेश्चन ये है तुम लोगों का कि 2014 में ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड बदल जाता ठीक है जल्दी से बता दो hmm. मोदी सरकार आ गई थी हाँ वैसे यही हुआ था ठीक है तो वचन ने आई थिंक सबसे पहले बताया है साहिल हाय मोनिताय ठीक है सबको हाय ठीक है उसके बाद बीजेपी जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 2014 के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है हाँ नरेंद्र मोदी जी वन इलेक्शन वेरी गुड ठीक है तो उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है चलो तो यहाँ पर एक इमेज है जिसके थ्रू तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे उस टाइम पर ऐसे कार्टून्स बनाए जाते थे तो तुम लोग पॉलिटिक्स कैसे बदला उसे तुम इस कार्टून के थ्रू समझ पाओगे नाइनटीन के अराउंड कांग्रेस बढ़िया चल रहा था है ना एंड कांग्रेस के साथ कैसा था मैंने तुम्हें बार बार बताया कांग्रेस में एक लीडर थी उस टाइम पर जो पॉपुलर थी और पूरा कांग्रेस उनके भरोसे चलता था इंदिरा गांधी जी है ना तो इस इमेज में तुम देख रहे हो 1971 में इंदिरा गांधी जी बहुत मतलब ऐसे शान से खड़ी और अकेले खड़ी हैं ठीक है पर 1999 तक आते आते हम देखते हैं का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो अलग अलग पॉलिटिशियंस ठीक है साथ में मिलके खड़े हैं यहाँ पर ठीक है अलग अलग पॉलिटिशियंस साथ में मिलके खड़े हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि 1999 में जीतने के लिए सारे लोग साथ में मिलके काम करते थे 1971 में जब कांग्रेस को जीतना होता था तो इंदिरा गांधी जी अकेले मचाती थी ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस मैंने तुम्हें आ, क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ओ बी इन सबको पॉलिटिशियंस एंकरेज करना स्टार्ट कर देते हैं है ना इनके प्रॉब्लम्स को भी आ, लोग एड्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस टॉपिक में हम लोग ओबीसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे ओबीसी का क्या मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस ठीक है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का क्या मतलब है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको सोसाइटी में सप्रेस करा जाता है नीचा दिखाया जाता है जो एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए थे ठीक है तो इन लोगों को अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर आ, सिर्फ बैकवर्ड कास्ट भी कहा जाता है ठीक है तो इन लोगों के बारे में धीरे धीरे बातचीत होने लग जाती है पॉलिटिक्स में इसी के चलते मैंने तुम्हें बताया था ना मंडल कमीशन बनाते हैं ठीक है मंडल कमीशन बनाया जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा मंडल इंप्लीमेंटेड 1980s में क्या होता है जनता दल ब्रॉड टूगेदर सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स ठीक है तो जनता दल तो हमेशा से बोलती आई है कि ओबीसी को हमें अपलिफ्ट करना है जनता दल के लोग क्या करते हैं और भी ऐसे नए नए पॉलिटिकल पार्टीज को ढूंढ लेते हैं जो उनके विजन को सपोर्ट करते थे ठीक है एंड ये लोग साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं ओबीसी के लिए ठीक है इसी दौरान कुछ टाइम के बाद जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है ये लोग कहते हैं कि हम लोग मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे बेसिकली मंडल कमीशन ने कुछ ऐसा रिकमेंडेशन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में हम लोग ओबीसी को ट्वेंटी सेवन परसेंट के अराउंड रिजर्वेशन uh, देंगे ठीक है तो इसी टाइम के अराउंड नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट कहती है कि चलो मंडल कमीशन के रेकमेंडेशन uh, को इंप्लीमेंट करते हैं तो जैसे ही ये बात बाहर आती है कि गवर्नमेंट मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने वाली है पूरे इंडिया में डिबेट स्टार्ट हो जाती है ठीक है क्योंकि हमें पता है रिजर्वेशन वैसे भी एक सेंसिटिव टॉपिक है एंड उस टाइम पे तो मतलब नया नया ये चीज स्टार्ट हो रही थी है ना तो कुछ लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट में थे उनको लग रहा था कि हाँ बढ़िया है इससे क्या होगा ओबीसी को नई ऑपरचुनिटी मिलेगी ओबीसी और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे है ना पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इस चीज के खिलाफ थे ठीक है जिन्होंने बोला कि नहीं रिजर्वेशन हमें अभी नहीं देना चाहिए तो इसी के चलते इंडिया में बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड टेंशन स्टार्ट हो जाती है आगे बढ़ने से पहले पॉलिटिकल फॉलआउट्स करेंगे ठीक है इसमें हम लोग दलित के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा जल्दी से बता दो यहां तक तो सबको सब कुछ क्लियर है ना कोई इश्यू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है इजी लग रहा है ठीक है हाँ रिपीट कर दूं नुपू ने कहा है कि मैम प्लीज रिपीट चलो तो मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इस टाइम के अराउंड ओबीसी को हम लोग प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जो मंडल कमीशन है वो ये कह देती है कि हम लोग क्या करेंगे ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने वाली होती है एंड इसी के चलते इंडिया में लोग लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं शाम क्लियर है बहुत बढ़िया वंश निवेदिता रिदमा बहुत बढ़िया ठीक है ईशांत क्लियर, क्लियर है बहुत बढ़िया शुभ मन आप पढ़ाएंगी तो इजी ही लगेगा दी अन्वेशा थैंक यू सो मच निवेदिता क्लियर है आई हैव फीवर बट आई एम एंजॉइंग योर क्लास अरे बुखार है तो यार अपना ध्यान रखो बोर्ड एग्जाम के टाइम में हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बीमार पड़े ना तो तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो बीमार पड़ना मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती बीमार पड़ना तो अगर फीवर है कोल्ड है तो अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखो जल्दी से रिकवरी करो और उसके बाद रेस्ट ले लो ठीक है एक दो दिन रेस्ट ले लो कोई दिक्कत नहीं है पर जल्दी रिकवरी करो और उसके बाद वापस पढ़ाई करने बैठ जाओ ठीक है हरिका सब कुछ क्लियर है ओके क्रिश्चन यार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा दूंगी कुछ दिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो तो सबको क्लियर है आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल फॉलोट टॉपिक को समझते हैं ठीक है तो नाइनटीन एक ऐसा टाइम पीरियड था जब दलित के लिए भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लग जाते हैं तो 1978 में हम लोग देखते हैं बैमसेफ बनता है ठीक है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ठीक है ये 1978 में बनता है अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे नहीं सोचना कि एक नॉर्मल सी ट्रेड यूनियन थी बैमसेफ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पर ठीक है तो इट टुक स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन ठीक है तो बैमसेफ के जो लोग थे ये लोग बहुजन लोगों को सपोर्ट करते थे मतलब एस सी एस टी माइनॉरिटी इन लोगों को ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे ठीक है आगे जाकर क्या होता है यही पार्टी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है ठीक है तो बैमसेफ से ही क्या होता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनती है और बाद में बहुजन समाज पार्टी जिसको हम लोग बीएसपी कहते हैं बीएसपी बना दी जाती है बीएसपी किसके लीडरशिप के अंडर बनती है कांशी राम जी के लीडरशिप के अंडर बनती है जिनकी इमेज मैंने यहां पर आप लोगों के लिए डाल दी है तो बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी ने अपनी शुरुआत जब करी थी तब तो ये पार्टी बहुत ही एक छोटी सी पार्टी थी ठीक है लार्जली धीरे धीरे क्या होता है लार्जली इन्हें दलित वोटर्स का सपोर्ट मिलने लग जाता है ठीक तो है तो दलित एज अ कम्युनिटी यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो दलित कम्युनिटी इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो पंजाब में हरियाणा में यूपी में उत्तर प्रदेश में दलित इन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है बट इन 1989 एंड द 1991 इलेक्शन इट अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू ठीक है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बीएसपी छोटी सी एक पार्टी थी पर आगे चल के 1990, 1990s के कुछ इलेक्शन में इनको बहुत बढ़िया विक्ट्री मिलती है और ऐसा पहली बार हो रहा था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल हु जिनका मेन सपोर्ट बेस कौन है दलित वोटर्स ठीक है पहली बार हो रहा था इंडिपेंडेंट इंडिया में कि कोई एक ऐसी पार्टी इतने बढ़िया तरीके से इलेक्शन में परफॉर्म कर रही थी जिनका मेन सपोर्ट बेस कहां से था दलित से था ठीक है चलो काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जो बीएसपी है जब इनके बीएसपी के लीडर कांशी राम थे तो ये जो पार्टी थी ये बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में चलती थी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स मतलब ये लोग बहुत लॉजिकल तरीके से ठीक है एकदम प्रैक्टिकल तरीके से पॉलिटिक्स को करते थे ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सारे बहुजन्स की बात करें ठीक है बहुजन्स मतलब एस सी एस टी ओबीसी रिलीजियस माइनॉरिटी दलित ये सब आ जाते हैं ठीक है तो इन लोगों का कंबाइंड पॉपुलेशन काफी ज्यादा है है ना तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों के लिए काम करती है तो ये लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे इनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी आराम से सक्सेसफुल हो सकती है तो बीएसपी बहुत ही प्रैग्मेटिक बहुत ही लॉजिकल तरीके से चलती थी कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है जो हमें इन रिटर्न हमें भी इलेक्शन में जिता सकते हैं ठीक है तो ये हमारा बीएसपी की कहानी थी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी ठीक है डेमोक्रेसी ये ना एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जब हम देखते हैं कि लोग अ लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लग जाता है कि रिलीजन का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पॉलिटिक्स में ठीक है तो लोग इस चीज को भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या इंडिया सही में सेक्युलर है ठीक है क्या सही में हम लोग रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते हैं ये सारी चीजें भी लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं क्यों कैसे ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो आगे जाके क्या होता है जनता पार्टी ना बट जाता है ठीक है और जनसंघ के जो लोग हैं वही आगे जाकर क्या करते हैं बीजेपी बनाते हैं भारतीय है जनता पार्टी बीजेपी तो सबको पता है ना तो ये बात है नाइनटीन की तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना हर एक पार्टी की ना आइडियोलॉजी होती है आइडियोलॉजी मतलब हर एक पार्टी का कोई मकसद होता है कोई गोल होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कल को हम सारे लोग मिलकर कोई पार्टी बना लेते हैं तो पार्टी का कोई मकसद होना चाहिए जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो पूरे इंडिया में एजुकेशन को बहुत ज्यादा फैला दे तो एजुकेशन फैलाना ये हमारी आइडियोलॉजी हुई है ना तो हर एक पार्टी का कोई आइडियोलॉजी होता है इंटरेस्टिंगली बीजेपी का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पता आइडियोलॉजी क्या था गांधी ठीक है तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो गांधीयन सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म को प्रमोट करने में विश्वास रखती थी गांधी जी के भी फिलोसफीज के ऊपर विश्वास रखती थी पर इस फिलोसफी के थ्रू बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं होता ठीक है तो गांधीयन सोशलिज्म के फिलोसफी के थ्रू बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं होता बीजेपी इलेक्शन में ज्यादा मचा नहीं पाती तो कुछ टाइम के बाद बीजेपी सोचती है कि अगर हम इसी आइडियोलॉजी के ऊपर चलते रहे तो हमें ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे हमें मिलेगा हमें कुछ करना पड़ेगा इसी के चलते बीजेपी कुछ टाइम के बाद अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा चेंज करती है और हिंदुत्व के बारे में ज्यादा बोलने लग जाती है ठीक है धीरे धीरे बीजेपी के लोग क्या स्ट्रैटेजी निकालते हैं कि जो हिंदूज हैं जितने हिंदूज हैं इंडिया में हम उनको मोबिलाइज करते हैं उनसे वोट निकालने की कोशिश करते हैं ठीक है चलो तो अब ये जो शब्द है हिंदुत्व इसका मतलब समझते हैं ठीक है इस वर्ड के ओरिजिनेटर कौन थे मतलब कहां से आया वी डी सावरकर ने इस वर्ड को यूज करा था एंड फिर समझाया भी था ठीक है तो हिंदुत्व का लिटरली ये मतलब होता है हिंदुनेस ठीक है हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदुनेस ठीक है uh, नेक्स्ट और क्या कहा इन्होंने हिंदुत्व के बारे में इट बेसिकली मेंट दैट टू बी मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशन एवरी वन मस्ट नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज फादर लैंड बट ऑल्सो एज होली लैंड कह रहे हैं कि अगर तुम मतलब इंडिया को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ कंट्री तो तुम्हें इंडिया को फादरलैंड भी मानना चाहिए पितृभूमि भी मानना चाहिए और होली लैंड भी मानना चाहिए पुण्य भूमि भी मानना चाहिए ठीक है ऐसा इन लोगों ने कहा ओके नेक्स्ट जो भी लोग हिंदुत्व के ऊपर विश्वास रखते थे इन लोगों ने क्या बोला इन लोगों ने ये बोला कि इंडिया में पता क्या होना चाहिए इंडिया में यूनिटी होनी चाहिए कल्चर के बेसिस पे ठीक है इंडिया में जितने लोग हैं उनके अंदर ये यूनिटी होनी चाहिए कि हाँ यार हम सबका सेम नेशनल कल्चर है ठीक है तो इन लोगों ने ये बोला ठीक है दैट इन केस ऑफ इंडिया हिंदू कल्चर को प्र, कुड प्रोवाइड दिस बेस इंडिया के केस में ये यूनिटी कहाँ से आ सकती है हिंदू कल्चर से ही आ सकती है ठीक है कि हिंदू कल्चर वो इकलौती चीज है जो कि हमारे इंडिया में एक कल्चर के बेसिस पर यूनिटी ला सकती है ठीक है ये जो तुम्हारे एनसीआर में लिखा है मैं वो पढ़ रही हूँ ठीक है हाँ ये तुम्हारे बुक्स में लिखा गया है ये मतलब हिंदुत्व को समझाया जा रहा है उस टाइम पर जो भी लोग हिंदुत्व पे विश्वास रखते थे उनका क्या मानना है वो बेसिकली हमें समझाया जा रहा है ठीक है चलो तो हिंदुत्व हमने समझ लिया है ना अब इस टाइम के अराउंड दो ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से हिंदुत्व का जो इशू है ये और बड़ा हो जाता है और आगे जाके मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है दो ऐसी चीजें होती हैं पहला क्या था पहला जो था पहली जो पहला जो इशू था इसको हम कहते हैं शाह बानो केस जो कि 1985 में हुआ था इस केस में क्या था एक 62 टू ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी ठीक है एक मुस्लिम औरत थी 62 टू ईयर ओल्ड थी वो और उन्होंने डिवोर्स ले लिया था ठीक है डिवोर्स लेने के बाद ये क्या करती हैं ये कोर्ट में जाके केस फाइल करती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है उनको मुझे पैसे देने चाहिए मेंटेनेंस के लिए ठीक है और सुप्रीम कोर्ट के लोग क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आपके जो हस्बैंड है 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 उन्हें आपको पैसे देने चाहिए ठीक तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट इस इस चीज चीज को को अप्रूव अप्रूव कर देती है। अब जैसे ही इस को अप्रूव करती मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग थे ऑर्थोडॉक्स लोग मतलब जिनके बहुत पुराने सोच विचार हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो हमारे मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है मुस्लिम लॉज जो होते हैं उन लॉज के खिलाफ है ठीक है तो अब इस टाइम पे क्या होता है कुछ मुस्लिम लीडर्स जाके गवर्नमेंट से बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत करा है आप प्लीज हमारी मदद करो इसी के चलते गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है इस एक्ट का क्या नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 हमें इन डिटेल इस एक्ट के बारे में जानने की जरूरत नहीं है इतना समझो कि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था ना कि उन्हें हस्बैंड से पैसे मिलने चाहिए वो जजमेंट कैंसिल आउट हो जाता है ठीक है तो बेसिकली जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या करा गवर्नमेंट ने इस चीज को सपोर्ट करा कि अगर एक औरत ने डिवोर्स ले लिया तो उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए हस्बैंड से है ना तो जाहिर सी बात है गलत था ये एक्ट और इस एक्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है बीजेपी थी, uh, तो खैर इसी मतलब तलाश में रहती है ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ गलत करे और उसके खिलाफ बोलेंगे ऑपोजिशन का काम ही यही होता है वैसे तो बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करती है और बीजेपी के लोग ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो कांग्रेस की ट्रिक थी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स जीतने की है ना मुस्लिम को खुश करने के लिए इन्होंने के तो हिंदू थोड़ा टेंशन स्टार्ट होता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसकी वजह से खूब सारा वायलेंस होता हमारे इंडिया में वो था अयोध्या डिस्प्यूट ठीक है अयोध्या डिस्प्यूट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बच्चे ध्यान से सुनना आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो आ, यहां तक क्लियर है क्या सबको अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी फायर मोजी डाल दो और सूर्यांश हाय कैसे हो आप अन्वेषा ऑल क्लियर वेरी गुड वाइट पांडा हाय नमस्ते कल परसों की क्लास में शायद आप नहीं दिखे थे है ना आज सुबह भी मुझे नहीं दिखे आप हाँ और बताओ हाँ बाबरी मस्जिद पढ़ेंगे ठीक है चलो यश को क्लियर है बहुत बढ़िया वंश को भी क्लियर है खुशी ऑल क्लियर ठीक है शुभमन को भी क्लियर है गरिमा हिमांशु और राजकुमार श्याम सबको क्लियर है एनसीआरटी क्वेश्चन हाँ यार एनसीआरटी के क्वेश्चन करने हैं इंपॉर्टेंट है हम करेंगे कल हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा कल नौ बजे वाली क्लास तक हमारा मतलब दो, दोनों बुक खत्म हो जाएंगी उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर ये सारी चीजें करेंगे ठीक है तो मुझे ऑल क्लियर फायर यही नाम दिख रहा है क्या आप मेरा नाम प्यार से ले सकती हैं ये कैसे बोला जाता है मैं नॉर्मली ले सकती हूँ रोनेथ हाई और सबको क्लियर है चलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अयोध्या के डिस्प्यूट को समझते हैं ठीक है तो अयोध्या का जो डिस्प्यूट है अयोध्या का जो इशू है ये एक ऐसा इशू है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है शुरुआत कैसे हुई थी इस इशू की तो हमारा एक मॉस था बाबरी मस्जिद ठीक है अयोध्या में ठीक है बाबरी मस्जिद के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग बाबरी मस्जिद क्या है ये एक सिक्सटींथ सेंचुरी का मॉस था जो कि अयोध्या में था और ये याद रख लेना बाबरी मस्जिद को बनाया किसने था मीर बाकी ने बनाया था और मीर बाकी कौन है हमारे मुगल एम्पर थे ना बाबर बाबर के जनरल थे मीर बाकी ठीक है तो इन्होंने हमारे बाबरी मस्जिद को बनाया था ठीक है तो नेक्स्ट कुछ हिंदू का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद से पहले अयोध्या में एक टेम्पल था भगवान राम के लिए ठीक है और हाँ हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि ये भगवान राम का बर्थ प्लेस है ठीक है यहाँ पे इन्होंने जन्म लिया था तो कुछ लोगों का कुछ हिंदूज का ये मानना है कि यहां पर एक टेम्पल हुआ करता था लॉर्ड राम के लिए भगवान राम के लिए एंड uh, क्या किया गया उस टेम्पल को तोड़ दिया गया और उसके ऊपर ये मस्जिद बना दी गई ठीक है तो बेसिकली यही दिक्कत है जिसकी वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम लड़ते हैं ठीक है कुछ टाइम के बाद क्या होता है ये डिस्प्यूट कोर्ट तक हम लोग ले जाते हैं ठीक है कोर्ट में केस कर दिया जाता है कि यहां तो पहले मंदिर था उसे तोड़कर मस्जिद बना दिया तो मतलब इस एरिया के ऊपर डिस्प्यूट स्टार्ट होने लग जाता है लेट नाइनटीन में कोर्ट के लोग एक डिसीजन लेते हैं कोर्ट के लोग बोलते हैं कि हम इस मस्जिद को लॉक कर रहे हैं ठीक है जब तक ये पूरा मैटर सॉर्ट नहीं हो जाता हम लोग क्या करेंगे हम इस एरिया को लॉक लगा रहे हैं ताला लगा रहे हैं ठीक है तो ये चल रहा था कुछ टाइम के बाद क्या होता है फैजाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ठीक है ये फेब्री 1986 में एक ऑर्डर देता है वजह से प्रॉब्लम और स्टार्ट होती है क्या ऑर्डर देता है ये कि बाबरी मस्जिद का जो इलाका है उसे अनलॉक कर दो ठीक है बाबरी मस्जिद को लॉक कर दिया गया था ना तो ये लोग एक ऑर्डर देते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो इलाका है इसे अनलॉक कर दो ताकि जो हिंदूज हैं वो वहां पर जा पाए और वो अपनी प्रेयर्स करके वापस आ पाए ठीक है तो जैसे ही ये बात बाहर आती है कि बाबरी मस्जिद का लॉक खुलने वाला है तो दोनों कम्युनिटीज के लोग वहां पहुंच जाते हैं ठीक है वहां पर हिंदूज भी पहुंच जाते हैं बहुत सारे हिंदू पहुंच जाते हैं और बहुत सारे मुस्लिम भी पहुंच जाते हैं ठीक है जाहिर सी बात है ये दोनों कम्युनिटीज ठीक है ये दोनों लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो इशू है ये एक लोकल डिस्प्यूट था ठीक है एक छोटी सी मतलब एक छोटा सा इशू था लोकल इशू था पर धीरे धीरे टाइम के साथ ये इशू इतना बढ़ जाता है कि नेशनल लेवल पर इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है ठीक है बहुत ज्यादा वायलेंस होता है नेशनल लेवल पर इस प्रॉब्लम को लेकर ठीक है बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन स्टार्ट हो जाते हैं कम्युनल टेंशन का क्या मतलब होता है जब रिलीजन के वजह से लोग आपस में लड़ रहे हो ठीक है अब इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो सोचते हैं कि बढ़िया है हम इस इशू को यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए उनमें से एक था बीजेपी ठीक है और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जिसको हम लोग चैप्टर में शॉर्ट में वीएचपी कहेंगे ठीक है इसी के चलते जैसे बीजेपी के लोग हो गए और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो गए ये लोग अलग अलग क्या कह सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स या अलग अलग, अलग मार्च स्ट्राइक्स ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते थे ठीक है तो इसी के चलते बीजेपी क्या करती है ठीक है ताकि बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले पब्लिक बीजेपी को सपोर्ट करे बीजेपी क्या करती है एक बहुत बड़ा मार्च ऑर्गेनाइज करती है ठीक है जिसको रथ यात्रा कहा जाता है रथ यात्रा में लोग क्या करते हैं गुजरात में जो सोमनाथ है वहां से लेकर लोग अयोध्या अयोध्या यूपी में है है ना पता है ना सबको तो यूपी तक लोग ट्रैवल करते हैं तो वैसे तो मुझे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सी ही इमेज मिली तो मैंने ये डाल दिया तो कुछ ऐसा था रथ यात्रा में तो ये बहुत मैसिव सा एक मार्च था जिसमें लोग गुजरात से लेके अयोध्या यानी यूपी तक आ रहे थे ठीक है तो ये बाबरी मस्जिद की कहानी है नेक्स्ट क्या होता है डिमोलिशन एंड आफ्टर ठीक है तो अब ये बात है डिसम्बर नाइनटीन की ठीक है तो जो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट कर रहा था जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ यहाँ पे मंदिर बनाते हैं इन्होंने एक कार सेवा ऑर्गेनाइज करी ठीक है कार सेवा का क्या मतलब होता है ये बोल देना कि जो भी लोग खुद से अपनी मर्जी से टेम्पल के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तुम लोग आ जाना ठीक है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग पहुंचते हैं वहां पर ठीक है तो जैसे ही ये सेवा ऑर्गेनाइज करी जाती है फिर से मुस्लिम्स एंड हिंदू के बीच का जो टेंशन था वो बढ़ने लग जाता है ठीक है इसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑर्डर देती है यूपी के गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया जाता है कि हम तुमसे बोल रहे हैं कि इस इशू को तुम्हें कंट्रोल में रखना है अयोध्या यूपी में है तो अयोध्या वाली इशू को कंट्रोल करना तुम्हारा काम है सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली यूपी गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे देती है पर फिर भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड ट को कि इस इशू को तुम्हेंडल करना है फिर भी हजारों में लोग पहुंचते हैं अयोध्या किस डेट की बात है ये सिक्स डिसेंबर नाइनटीन नाइनटी टू और ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं मॉस्ट को डिमोलिश कर देते हैं मतलब तोड़ देते हैं ठीक है जैसे ही ये न्यूज बाहर तक पहुंचती है जाहिर सी बात है है क्या स्टार्ट हो जाता है? फिर से हिंदूज हिंदू मुस्लिम कर देते हैं ठीक है एंड ऐसा अयोध्या में तो देखो वायलेंस चल ही रहा था पर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में भी इसी इशू को लेकर धीरे धीरे वायलेंस स्टार्ट हो जाता है अब इस इशू के बाद कुछ कुछ चीजें होती हैं ठीक है एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि उस टाइम पर क्या हुआ पॉइंट वन द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया था ना कि तुम स्टेट गवर्नमेंट को करो. State government ने नहीं करा इस situation को हैंगल. तो इस पर क्या किया जाता है डिसमिस कर दिया जाता है ठीक है इसके अलावा उस टाइम पे कुछ और भी स्टेट्स थे जहां पे बीजेपी रूलिंग पार्टी थी उन सारे स्टेट्स पर भी प्रेजिडेंट रूल लगा दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के ठीक है उनके ऊपर कंटेम्प्ट कंटेप्ट कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट मतलब तुम लोगों ने court के खिलाफ कुछ करा तो बेसिकली यूपी के गवर्नमेंट से कहा गया था कि अयोध्या की सिचुएशन को कंट्रोल करो है ना एंड जाहिर सी बात है इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करा तभी तो मस्जिद तोड़ दिया लोगों ने जाकर तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया जाता है कि तुम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो ठीक है फिर कुछ टाइम के बाद बीजेपी के जितने ऑफिशियल्स थे वो लोग बोलते हैं कि जो भी हुआ हम उसके लिए मतलब माफी चाहते हैं इस टाइप का एक स्टेटमेंट वो लोग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग एक कमीशन बनाते हैं और इस कमीशन को काम दिया जाता है कि तुम लोग रिसर्च करो इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया ठीक है नेक्स्ट मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम डिमोलिशन एंड डिक्लेयर दैट दिस वॉज अगेन सेक्युलरिज्म उस टाइम पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ये बोलना स्टार्ट करा कि ये ये जो भी पूरा इवेंट हुआ इट वॉज वेरी सैड क्योंकि इंडिया मतलब बहुत प्राइडली इंडिया में हम ये कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है है ना हम हर रिलीजन को बराबर मानते हैं डाइवर्सिटी है इंडिया में है ना तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बोलना स्टार्ट करा कि जो हुआ है यहाँ पर ये क्लियरली इंडिया के सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है एंड इसके चलते लोगों के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन भी आने लग जाते हैं ठीक है एक क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या सेक्युलरिज्म इंडिया में है या नहीं है दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंडिया भी आगे जाकर एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां पर माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को डराया जाता है धमकाया जाता है या रिलीजन के बेसिस पे वायलेंस होता है ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में चल रही थी एंड कोर्स लोगों के दिमाग में ये और चलने लग गया था कि रिलीजन का कितना इंपॉर्टेंस है इलेक्शन में ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग रिलीजन को भी अब इलेक्शन में यूज करने लगे हैं ओके okay? तो ये हमारा अयोध्या डिस्प्यूट था ठीक है आप अयोध्या डिस्प्यूट का वैसे टॉपिक एंटायरली फिनिश नहीं हुआ है अभी एक और टॉपिक पढ़ लो जो इसी टॉपिक से थोड़ा कनेक्टेड है फिर मैं तुम लोगों से बात करती हूँ ठीक है फिर हम देखते हैं किसको कितना क्लियर है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी मुस्लिम राइट ठीक है तो ये बात है गुजरात की फेब्री एंड मार्च टू टू की बात है गुजरात में बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम्स के खिलाफ वायलेंस किया जाता है अब इसके पीछे भी एक कहानी थी उस कहानी को समझते हैं ठीक है तो गुजरात में एक स्टेशन है गोदरा नाम से वहां पर क्या होता है आ, ट्रेन रेलवे स्टेशन की हम लोग बात कर रहे हैं अ बोगी ऑफ ट्रेन दैट वाज रिटर्निंग फुल ऑफ कर सेवक है तो वहां रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन का जो एक बोगी था उसमें बहुत सारे हिंदू थे जो कि अयोध्या से वापस आ रहे थे ठीक है और क्या किया जाता है कुछ लोग उस पूरे बोगी को जला देते हैं तो उस बोगी के अंदर जितने लोग थे ठीक है कुछ फिफ्टी सेवन लोग थे उन सारे लोगों की डेथ हो जाती है फायर के वजह से उसमें सारे हिंदूज थे जो कि अयोध्या से आए थे तो जाहिर सी बात है हिंदूज के दिमाग में क्या जाता है कि मुस्लिम्स ने जलाया है इस बोगी को इसके चलते गुजरात में जितने हिंदूज होते हैं वो मुस्लिम्स को मारना टॉर्चर करना उनके खिलाफ वायलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं इनफैक्ट उस पूरे महीने इतना वायलेंस होता है मुस्लिम्स के खिलाफ कि नियरली वन लोगों की डेथ हो जाती है ठीक उजेंड हंड्रेड मोस्टली इसमें सारे मुस्लिम्स थे इन लोगों की डेथ हो जाती है ठीक है इस टाइम पे जो एन थी यानी नेशनल ह्यूमन कमीशन इन्होंने गुजरात को बहुत क्रिटिसाइज करा कि ऐसे कैसे एक स्टेट में एक महीने तक तुमने वायलेंस को चलने दिया और तुम लोगों ने कुछ नहीं करा ठीक है एंड गुजरात में इतना बुरा सिचुएशन था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको इलेक्शन भी पोस्टपोन करना पड़ जाता है इलेक्शन टालना पड़ जाता है इतना बेकार सिचुएशन चल रहा था Uh, गुजरात में ठीक है चलो तो मुझे पहले बता दो यार यहां तक सबको क्लियर है क्या फिर हम लोग uh, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस बेसिकली इस टॉपिक में तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे लोगों की थिंकिंग धीरे धीरे चेंज होने लगी और कांग्रेस की पावर कम होने लगी ऑन दी अदर हैंड बीजेपी हमारा धीरे धीरे ग्रो करने लगा ये तुम्हें इस टॉपिक में समझाया जाएगा तो मुझे जरा जल्दी से बता दो यहां तक तो सबको क्लियर है ना इजी फायर इमोजी डाल दो वंश ऑल क्लियर बहुत बढ़िया कनिका रामकुमार सरिता मैम सोमेश्वर का नाम ले सकते हो क्या ले दिया यार हाय ठीक है मैम मैं टें, अच्छा वाइट पांडा तुम क्लास टेंथ में हो मुझे लगा तुम ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो बस हाय बोलने के लिए आए थे हाय फिर तो ठीक है मैं तो हर क्लास में सोचती रहती थी कि तुम नहीं आए आज हम्म दीदी कल से क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा आज बुक तो खत्म हुआ हिमांशु नहीं आज एक बुक खत्म हुई ना अभी दूसरी बुक भी है दूसरी बुक के दो चैप्टर्स रह रहे हैं ठीक है वो एनवायरमेंट वाला चैप्टर और ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर सुबह ग्यारह बजे होगा ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर कल रात को नौ बजे होगा तो कल के दो क्लासेस में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर परसों से हम लोग एनसीआर टी सोल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारी चीजें करेंगे ओके अभिषेक हाय ठीक है चलो तो बहुत सारे फायर इमोजीज़ दिख रहे हैं मुझे मेरा नाम ले लो मैं न्यू स्टूडेंट हूं हाँ जरूर तुम न्यू स्टूडेंट हो ना वंश हाँ चलो मैं भी टेंथ में हूं दिग्रास सर से पढ़ता हूं बहुत ही बढ़िया रौनित अच्छा टेंथ के भी बच्चे हैं तो यहाँ पर ओके परसों से सैंपल पेपर हाँ मतलब पहले तो सब कुछ मिक्स तरीके से करेंगे पीवाई क्यू एनसीआर सब कुछ मिक्स तरीके से करेंगे एंड उसके बाद हाँ सैंपल पेपर भी कराऊंगी मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें मिस हाय कैसे हो आप चलो तो बहुत सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इमोजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस स्टार्ट करते हैं तो 1989 के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब कांग्रेस डिक्लाइन करने लग जाता है कांग्रेस को उतना सपोर्ट नहीं मिलता और बीजेपी को सपोर्ट मिलने लग जाता है इस चीज को तुम लोग और अच्छे से अगर समझना चाहो तो यहाँ पर एक ग्राफ है ठीक है तो इस ग्राफ में रेड का मतलब है बीजेपी और ब्लू का मतलब है कांग्रेस ठीक है तो 1984 के अराउंड बीजेपी को दो सीट मिली इलेक्शन में ठीक है लोकसभा इलेक्शन में और हमारे कांग्रेस को 415 मिली तुम देख रहे हो टाइम के साथ धीरे धीरे जो रेड कलर है वो ऐसे ऐसे उठता जा रहा है और जो ब्लू कलर है वो कम होता जा रहा है मतलब बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और कांग्रेस डिक्लाइन करती जा रही है तो बीजेपी फिर 85 फिर 221 फिर 160 182 आ, 182 2004 तक आते आते बीजेपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट बराबर है वन और वन तो इससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि मतलब ऐसा धीरे धीरे चल रहा था कि बीजेपी की पावर बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस की पावर कम होती जा रही थी तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है लोकसभा इलेक्शन 2004 2004 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो जब 2004 का इलेक्शन हुआ ठीक है तो इस इलेक्शन में कांग्रेस ने भी एक प्रॉपर कोयलेषन को ज्वाइन कर लिया था ठीक है दी एनडीए डिफीटेड एंड न्यू कोयलेशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस केम टू पावर ठीक है 2004 में क्या होता है एनडीए को हरा दिया जाता है और एक आ, दूसरा कोयलेशन था जिसका मेन लीडर कांग्रेस था जिसे हम कहते हैं यूपीए यूपीए पावर में आ जाता है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है और हमने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही हम लोगों ने एनडीए यूपीए क्लियर कर दिया था ठीक है इस गवर्नमेंट को लेफ्ट फ्रंट पार्टी से सपोर्ट मिल रहा था ठीक है जो भी लेफ्टिस्ट पार्टीज थी वो सपोर्ट कर रही थी ओके नेक्स्ट क्या होता है 2004 का जो इलेक्शन था इसमें ना हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो कांग्रेस फिर से पावर में आ गया कांग्रेस थोड़ा सही कर रहा है ठीक है 1991 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस थोड़ा बढ़िया कर रहा था इलेक्शन में ओके okay? पर 2004 के इलेक्शन में यह भी था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादा फर्क नहीं था अभी हमने वो ग्राफ में देखा ठीक है तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इस टाइम तक आते आते कांग्रेस की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई थी है ना कांग्रेस ठीक है बढ़िया कर रहा था पर वो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी जी वाली बात नहीं रही तो ये लोकसभा इलेक्शन का एक मैप है जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा जो भी पिंक एरिया है पिंक एरिया मतलब यहाँ पे एनडीए ठीक है एनडीए जीता था जो भी येलो एरिया है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा यूपीए जीता था ठीक है जो भी ऑरेंजिश रेडिश से एरिया है यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज थी ठीक है और ब्लू में क्या है ब्लू का मतलब दूसरी पार्टीज अदर पार्टीज जिनके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर पर ठीक है तो नाइनटीन के अराउंड ना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी हम उनको ब्रॉडली चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं क्या थी वो चार कैटेगरी चार ग्रुप्स वो पढ़ते हैं ठीक है जितनी पार्टीज थी उनको हम लोग ब्रॉडली ऊपर ऊपर से चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं ठीक है या तो वो ऐसी पार्टीज थी जो कांग्रेस के साथ को में थी एक ग्रुप क्या था एक ऐसा ग्रुप जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को में है ठीक है नेक्स्ट एक ऐसा ग्रुप जो कि बीजेपी के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली है बीजेपी के साथ अलायंस है तीसरा ग्रुप क्या था लेफ्ट फ्रंट पार्टीज चौथा ग्रुप क्या था अदर पार्टीज ठीक है चौथे ग्रुप में हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं चौथे और तीसरे ग्रुप पे हमारा फोकस है ही नहीं इस चैप्टर पे ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड क्या है कांग्रेस का अलायंस बीजेपी का अलायंस फिर लेफ्ट फ्रंट फिर अदर पार्टीज इन चार कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक ग्रोइंग ठीक है तो ग्रोइंग कंसेंसिस स्टार्ट करते हैं आ, जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है सोशल साइंस क्वीन ओपी अन्वेशा थैंक यू सो मच ठीक है हाँ सुबह से ही लाइव चल रहा अच्छा देव भाई चलो ग्रोइंग कंसेंसस स्टार्ट करें कंसेंसस अपेयर्स टू हैव इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज़ ठीक है तो कह रहे हैं इस टाइम के अराउंड ये वैसे लास्ट टॉपिक है तुम्हारा फिर हमारा ये मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर नहीं हमें ऐसे बोलना चाहिए बुक खत्म हो जाएगी है ना चलो तो चार ऐसे टॉपिक्स थे जिनको लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करते थे कि हाँ यार ये चीज तो होनी चाहिए है ना वो चार चीजें क्या थी पहला एग्रीमेंट ये था कि इकोनॉमिक पॉलिसी सही है मैंने तुम्हें बताया नाइनटीन के अराउंड हमारी इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल जाती हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये सारी चीजें इकोनॉमी में ट्राई करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इसे पर धीरे धीरे लोगों का ये मानना हो जाता है कि हाँ ये चीज बढ़िया है हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना होगा लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीजें करना जरूरी है ठीक है चलो सेकंड कंसेंसस क्या था सेकंड एक ऐसी चीज जिस पर सब लोग एग्री कर रहे थे वो क्या था एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल बताया था बहुत पहले दलित इनके इनके इश्यूज को पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करा जाता था पर नाइनटीन के बाद ओबीसी दलित्स इन सबको बहुत एंकरेज किया जाता था पॉलिटिक्स में जो कि बहुत बढ़िया बात है है ना तो सेकंड चीज जिसके ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टीज अग्री करते थे वो ये था कि अब हमें बैकवर्ड कास्ट ओबीसी दलित्स इन सबको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए ठीक है नेक्स्ट थर्ड क्या पॉइंट था जिसके ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर रहे थे थर्ड पॉइंट ये था कि आज एक ऐसा टाइम आ गया है जब स्टेट लेवल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता था जो रीजनल पार्टीज होती थी छोटी छोटी स्टेट लेवल पार्टीज होती थी उनको कोई अहमियत उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था पर टाइम के साथ क्या हुआ कोयलेषन का टाइम पीरियड आया है ना एंड कोयलेन के टाइम पीरियड में ये स्टेट लेवल पार्टीज इंपॉर्टेंट हो गई है ना कोयलेन के टाइम पीरियड में हर एक पार्टी छोटी सी छोटी पार्टी जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करे वो इंपॉर्टेंट हो जाती है तो थर्ड लोग इस चीज को लेकर एग्री करने लगे कि स्टेट पार्टी रीजनल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट फोर्थ एग्रीमेंट क्या था फोर्थ क्या चीज थी जिसको लेकर लोग मानने लगे कि हमें प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन को करना चाहिए पॉलिटिक्स में ठीक है मतलब पॉलिटिक्स में हमें लॉजिकल होकर चलना चाहिए मान लो दो आ, पार्टीज हैं जिनके आपस में विचार मिलते भी नहीं है ठीक है दो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके विचार भी नहीं मिलते तो उन्होंने क्या करा मान लो कोई एक है जो कैपिटलिज्म का कह रहा है कोई सोशलिज्म का कह रहा है पर इन्होंने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो ये लोग प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन पर चल रहे हैं प्रैग्मेटिक मतलब हमें आइडियोलॉजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें क्या करना है हमें प्रैगमेटिक होकर चलना है हमें लॉजिकल होकर चलना है नेक्स्ट क्या है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है तो यहां पर तुम्हारे वैसे चार पॉइंट तो खत्म हो गए तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है ठीक है।, है तो अब हम लोग क्या करेंगे एक लास्ट लाइन हम लोग रीड करते हैं उसके बाद हमारा ये बुक फिनिश हो जाएगा तो वो हम समझते हैं ठीक है तो ये है ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग अंडरलाइन कर लो ठीक है अगर तुम किसी आंसर वगैरह में लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर रहेगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ठीक है डेमोक्रेसी बदल सकती है हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ कुछ बोल सकते हैं ठीक है कि हमारी डेमोक्रेसी ऐसी होगी हमारी डेमोक्रेसी वैसी होगी पर डेमोक्रेसी का फ्यूचर प्रिडिक्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ठीक है इस पूरे बुक में तुम लोगों ने जो जो पॉइंट्स पढ़े ठीक है वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है पूरे बुक में हमने जो कुछ पढ़ा उनमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पॉलिटिक्स को बदल सकती हैं पर एट द सेम टाइम तुम्हें याद रखना है कि डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसीलिए कह रहे हैं वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी बट एट द सेम टाइम हमने जो कुछ भी पढ़ा इस चैप्टर में वो तुम्हें पॉलिटिक्स को समझने में पॉलिटिकल पार्टीज को समझने में मदद करेगा चलो तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है एंड हाँ एक बुक खत्म हो गई है हमने कंप्लीट uh, एक बुक के सिलेबस को फिनिश कर लिया है आ, मैं तुम्हें थोड़ी और चीजें बता देती हूँ कल ग्यारह बजे क्लास होगी तुम्हारी ठीक है जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं फिर नौ बजे क्लास होगी तुम्हारी जिसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड कल नौ बजे के बाद तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस मेरी तरफ से डन है तो तुम्हें प्ले मिल जाएगी इसी चैनल पर अगर तुम्हारे कुछ कुछ चैप्टर्स या कुछ कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है तो तुम लोग वहां से कंप्लीट कर लेना ठीक है चलो तो इतना ही करते हैं बाकी यहां पर जितने बच्चे हैं कल सुबह ग्यारह बजे सब लोग टाइम से पहुंच जाना हम लोग एक चैप्टर फिनिश करेंगे ठीक है चलो स्टूडेंट्स सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल सुबह ग्यारह बजे टिल देन बाय बाय